सुप्रभात छात्रों, कक्षा छठी के लिए संस्कृत का पहला पाठ है हमारा। एषः बालकः अथवा एषा बालिका। एषः शब्द एतत् शब्द का है, यह पुल्लिंग में एषः और स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसक लिंग का एतत् शब्द का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, संस्कृत में अनेक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, जैसे बालक, छात्र, विद्यालय आदि। इनको जब संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, एषः बालकः, एषा बालिका आदि इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, चित्रों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए, पाठन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हिंदी कर सकते हैं। एषः बालकः, यह बालक है। एषः शब्द किसके लिए, नज़दीक के लिए। बालकः खेलती, बालक खेलता है। एषा बालिका, यह बालिका है। बालिका खेलती, बालिका खेलती है। आगे देखिए, समानता क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखिए, एषः छात्रः, यह छात्र है। छात्रः पढ़ती, छात्र पढ़ता है। सः पढ़ती, वह पढ़ता। देखिए यहाँ पे एषः और सः में क्या अंतर है, सः जो है वह दूर के लिए, दैट, और सः जो है वह दिस, नज़दीक के लिए। एषा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा पढ़ती, छात्रा पढ़ती है। सा छात्रा पढ़ती, वह छात्रा पढ़ती है। एषः कलम है, यह कलम है। एषा कलम मंजूषा, यह कलम पेटी है, कलम बॉक्स, यह पेन बॉक्स है, कलम पेटी बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए, एषः वृक्ष है, यह वृक्ष है। वृक्ष है फलती, वृक्ष फल देता है। एषा गुहा, गुहा शब्द स्त्रीलिंग है, यह गुफा है। एषः पर्वत है, यह पर्वत है। एषः अर्णव है, यह अर्णव है। अर्णव छात्र अस्ति, अर्णव छात्र है। अर्णव किम करोति, अर्णव क्या करता है। अर्णव लिखती, अर्णव लिखता है। सः न खेलती, वह खेलता नहीं है। एषा लता, यह लता है। लता क्या करती है, फल देती है। लता फलती, लता फल देती है। आगे देखिए, एषा राधा, यह राधा है। राधा छात्रा अस्ति, राधा छात्रा है। राधा किम करोति, राधा क्या करती है। राधा लिखती, राधा लिखती है। सा न खेलती, वह खेलती नहीं है। आगे देखिए, अगले चित्र में क्या करें, एक लड़की गाना गा रही है सामने हारमोनियम लेकर, वो क्या कहते हैं, एषा विभा, यह विभा है। विभा गायती, विभा गाती है। विभा किम करोती, विभा क्या करती है। सा गायती, वह गाती है। अगले चित्र में देखिए, एक बालक हारमोनियम के साथ है, माइक के साथ। एषः बालकः अभिनव, यह बालक अभिनव है। किम अभिनव है, खेलती, क्या अभिनव खेलता है। अभिनव गायती, अभिनव गाता है। सः न खेलती, वह खेलता नहीं है। आगे देखिए चित्र में क्या है, एक महिला खड़ी है, एक है दो, एक और दो संख्या बोर्ड पर लिखी हुई है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। किम अध्यापिका पढ़ती, क्या अध्यापिका पढ़ती हैं। अध्यापिका पाठयती, अध्यापिका पढ़ाती हैं। पठ और पाठ में देखिए, वो प्रेरणात्मक धातु हो गई पढ़ाने अर्थ में, करवाने अर्थ में, पढ़ाती हैं। सा न पढ़ती, वह पढ़ती नहीं है। अगले चित्र में देखिए, एक शिक्षक खड़े हैं जो संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं। एषः अध्यापकः, यह अध्यापक हैं। किम अध्यापकः पढ़ती, क्या अध्यापक पढ़ते हैं। अध्यापकः न पढ़ती, अध्यापक पढ़ते नहीं हैं। सः पाठयति, वह तो पढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारा विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।